गाइज, और ये जो तुम देख रहे हो रेड स्टोन, ये जो लाल पत्थर दिख रहे हैं गाइज, ये भी आपको जगन्नाथ पुरी से ही मंगवाया है। सो पत्थर है, हम देखने वाले हैं जगन्नाथ मंदिर। समझ लो, जगन्नाथ मंदिर जो कि उड़ीसा में, वो नहीं है, जगन्नाथ मंदिर जो हैदराबाद में नया बनाया हुआ है, हूबहू जगन्नाथ पुरी जैसा मंदिर ही बनाया है, जगन्नाथ महाराज के जैसा ही, और वो है हैदराबाद में, और वहीं से ही वो स्टोन्स यहाँ मंगवा के यहाँ पर बनवाया गया है। तो आज तक जितने भी आपने ब्लॉग देखे हैं जगन्नाथ महाराज के जो हैदराबाद में स्थित है, वो तेलुगु में है, हम आज हिंदी में बनाने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गाइज, अभी हम रोड नंबर 12 पे है गाइज। सो गाइज, फाइनली हम अभी पहुंच चुके हैं जगन्नाथ टेम्पल के पास। तो आइए मैं आपको फ्रंट कैमरे से बताता हूं कि एक झलक मंदिर की कैसी है, वो भी देख लो। सो गाइस, मंदिर के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि मंदिर जो है सुबह 6 बजे खुलता है, 12 बजे तक, उसके बाद खुलता है 5 बजे, उसके बाद क्लोज होता है 9 बजे। ये डेली रूटीन का टाइमिंग है। जब कोई फेस्टिवल होगा, दिवाली है, दशहरा है, इस टाइम में मंदिर 10 बजे की टाइमिंग दी गई है, तो 10 बजे बंद होता। और ये मंदिर रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स के पास है। रेलवे से अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो 14 किलोमीटर पड़ेगा, और बसेस भी है यहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पर। बस ये मेरे ख्याल से 127 नंबर कुछ है, फिर भी आप एक बार गूगल करके चेकआउट कर लो, और आपको बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलेगी। कैब है, ओला है, उबेर है, रैपिडो है, बहुत सारे चीज़ें हैं आपको मंदिर तक पहुँचने के लिए। और मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर भी रथ यात्रा की जाती है जुलाई के महीने में। जुलाई के महीने में भी आप आके यहाँ पर फेस्टिवल एंजॉय कर सकते हो। तो चलो अभी हम अंदर जाते हैं। तो गाइस, इधर से भी एक एंट्रेंस है, इधर से होते हुए सीधा इधर से आप जा सकते हो, इधर भी एंट्रेंस है। और हम लोग अभी शू छोड़ने के लिए उधर जा रहे हैं, इधर लिखा है देखो शू स्टैंड, तो चलिए वहां पर हम शू छोड़ के आते हैं। देख लीजिए गाइज, कितने अच्छे सुंदर नजारे है, ये कलाकृति, ये आर्किटेक्चर कितना अच्छा बनाया हुआ है। तो फ्रंट पे जो है वो वहाँ शू छोड़ने का है भाई। तो फाइनली यहाँ पर अभी हम शू छोड़ दिए, चलो अभी अंदर इस तरफ से हम जाते हैं। उधर भी एक एंट्रेंस है और इधर भी है, हम लोग इधर से एंट्री जाएंगे, मेन एंट्री इधर से है। इधर आपको फूल, नारियल सब मिलेंगे, और इधर भी कुछ ऐसे मूर्तियां बनाई हुई है। और इधर हम अपने पैरों को धो के अंदर एंट्री करने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। सो गाइज, ये मेन एंट्रेंस है, तो यहाँ से हम लोग अभी अंदर जाएंगे, चलो अंदर एंट्री करते हैं अभी। तो अंदर एंट्री करते ही एक बड़ा स्तंभ है यहाँ पर, स्तंभ यहाँ पर बनाया गया है गाइज, और इसके आगे और मंदिर भी है, और 5 मंदिर है, और मेन मंदिर ये है जगन्नाथ का। कितना सुंदर व्यू आ रहा, देखो गाइस, सनसेट हो रही है और ये टाइम को हम आ गए हैं, वाह वाह, बहुत सुंदर, नेक्स्ट लेवल फीलिंग आ रही गाइस। गाइज, इसमें इनके बाजू में भी और एक मंदिर है, ये महादेव का मंदिर है, महादेव का एक लिंग है अंदर, ये भी एक मंदिर है। हम दर्शन करके ये साइड में आ गए गाइज, ये साइड में भी कुछ इस तरह से नजारा दिखता है। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, ये भी थोड़ा बहुत हम कवर कर चुके हैं। और ये है हनुमान टेम्पल, यहाँ पर हनुमान जी विराजमान है। सो गाइज, हम मंदिर के अभी पीछे भाग में आ गए हैं, बैक साइड में। तो गाइज, आप देख सकते हो वहाँ पर नवग्रह का मंदिर है, और इधर भी एक मंदिर है, माता का मंदिर, और यहाँ पर भी एक मंदिर है।
ये भी माता का मंदिर है, देख सकते हो। ये मंदिर के हम पीछे बाजू आ गए अभी, ये साइड का भी एक नज़ारा देख लो आप। और पीछे से भी एंट्रेंस है, इधर से पीछे एक दरवाज़ा है, देख लो गाइस। गाइस और ये जो तुम देख रहे हो रेड स्टोन, ये जो लाल पत्थर दिख रहे हैं गाइस, ये भी आपको जगन्नाथपुरी से ही मंगवाया है सो पत्थर है गाइस ये। तो क्योंकि भगवान वहाँ पर भी विराजमान है, इसीलिए ये पत्थर, ये जो पत्थर्स भी है वहीं से ही मंगवाए सो है गाइस। एक विशेषता है कि अंदर जो जगन्नाथ महाराज है उनको कृष्ण का ही अवतार माना गया है, और इसीलिए कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी का अंदर विराजमान है, वही यहाँ पर दर्शाया गया है। कुछ कुछ झलक हम लेने की कोशिश करें, क्योंकि फिर भी आ मंदिर में अलाउड नहीं था। तो चलिए यहाँ पर एक गेट है अभी, तो ये अभी ये एक मंदिर है, इसको हम कवर करके निकलेंगे। देख लो एक नज़ारा, अभी लाइट्स ऑन हो गई गाइस, फुल ब्लू लाइट्स देख लो। और ये गणेश जी यहाँ पर विराजमान है। तो फिर यही कुछ स्टोरी है जगन्नाथ महाराज की, और भी कुछ बहुत सारे हैं। तो मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो मुझे में भी थोड़ा नीचे ऊपर हो सकता है, आप एडजस्ट कर लो। और ज़्यादा जानकारी निकाल सकते हो गूगल से, वैसे तो मुझे जहाँ तक पता था मैंने बताने की कोशिश की और मंदिर भी बताने की कोशिश की। चलो फिर रखते हैं आज के लिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।